रिलायंस जियो ने सस्ते इंटरनेट से सबको लुभा लिया है। बहुत से लोग के पास रिलायंस जियो देखने को मिल जाता है। अब तो रिलायंस जियो ने अपना सस्ता मोबाइल भी बाजार में उतार दिया है। इन दिनों बहुत से ग्राहक ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बहुत कम इंटरनेट स्पीड मिल रही है। शुरुआत में रिलायंस जियो की स्पीड 20 से 25 Mbps की थी, लेकिन अब ये घटकर 3 से 3.5 Mbps की हो गई है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत नेटवर्क की वजह से नहीं होती है, बल्कि यूजर की स्मार्टफोन की वजह से होती है। ऐसे में आप अपने मोबाइल के कुछ सेटिंग बदल कर तेज स्पीड पा सकते हैं। इसके लिए 4G खास सेटिंग बदलनी होगी। आइए जानते हैं कि कैसे आप इंटरनेट स्पीड बदल सकते हैं। सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग पर आप जाइए, ऑप्शन पर क्लिक करें। मोर ऑप्शन पर क्लिक करते ही मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें। मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करते ही आप एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करें। एक्सेस पॉइंट नेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक नया ऑप्शन क्लिक कर सामने आएगा दोस्तों। वहां पे दोस्तों प्लस का आइकॉन बना होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको APN की एक फाइल खुल जाएगी दोस्तों। उसमें जो है तो दोस्तों आपको कहां पे जाना है, सीधे नीचे जाना है कर्सल करते हुए, और वहां पे जाके आप APN प्रोटोकॉल पर क्लिक करें। APN प्रोटोकॉल पर जाते ही दोस्तों आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है। IPv6 को सिलेक्ट करना है, और उसी के नीचे दोस्तों एक है वेवर का ऑप्शन, उस पर जाकर क्लिक करना है। और उसी पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद वेवर पर उसी के अंदर जो है तो LTE ऑप्शन होगा, उसे आप क्लिक करें दोस्तों। ओके कर दें दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों एक ऊपर जो है तो कॉर्नर में 3 डॉट बने होंगे दोस्तों, उसमें आपको जाके क्लिक करना है और उसे सेव कर देना दोस्तों। और आपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर ऑन करके नेट ऑन करना है दोस्तों। आपकी इंटरनेट स्पीड ज़रूर बढ़ेगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में इतना ही। हमारी बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। थैंक